हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल रॉबिन हुड फ्री फायर गेमर में। तो भाई लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं यार हम लोग के गेम पे आने वाले नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बंडल्स के बारे में, कि हम लोग के गेम पे कौन सा इंक्यूबेटर का बंडल आने वाला है। तो उस चारों बंडल आप लोग को दिखाऊंगा, कौन कौन से बंडल्स हैं वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो जो चैनल पर नए हो चैनल को ऐसे जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो भाई लोग, सबसे पहले तो आप लोग ये फ़ोटो देख लो। तो ये फ़ोटो में आप लोग को चार बंडल्स दिखाई दे रहे होंगे और ब्लूप्रिंट भी आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो यही चारों बंडल्स हम लोग के गेम पे आने वाला है। ब्लूप्रिंट आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप सा होने वाला है। तो चलिए आप लोग को मैं बंडल एक एक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सबसे नीचे वाला बंडल दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, तो ये रहेगा सबसे नीचे वाला बंडल, जो सबसे नीचे में हम लोग को एक ब्लूप्रिंट और तीन एवोल्यूशन स्टोन के बदले मिलता है। तो ये रहेगा, ठीक है। और इसको मेल और फीमेल दोनों पर ट्राई कर सकते, मतलब दोनों पे पहन सकते हो आप लोग, मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर पे। तो आप लोग देख सकते हो, और मैंने इसको अभी मेल कैरेक्टर पे पहनाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप सा दिखने वाला है बंडल। इसका मास्क और इसका जो हेयर, मतलब बंडल पूरी तरह से बहुत ही अच्छा बोला जा सकता है। अभी जो इंक्यूबेटर चल रहा है उससे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कई गुना अच्छा है भाई, ठीक है। तो इसी को आप लोग फीमेल कैरेक्टर भी पहना सकते हो, मतलब दोनों, मतलब यूनिसेक्स है ये वाला जो कैरेक्टर बंडल है वो। तो बहुत ही औसम बंडल है, ठीक है। और आप लोग जैसे कि देख सकते हो, और ये भी सही है, इसको फीमेल पे भी ट्राई कर सकते हो और मेल पे भी ट्राई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है, और ये सबसे नीचे वाला बंडल होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बताना आप लोग को ये दोनों सबसे नीचे वाला बंडल आप लोग को कैसा लगा। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ उससे इससे थोड़ा एक ऊपर वाला, जो दो ब्लूप्रिंट के बदले हम लोग को मिलता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये रहेगा हम लोग के दो ब्लूप्रिंट के बदले मिलेगा ग्रीन कलर का। पहला वाला तो ब्लू कलर का था, उसके बाद जो आप लोग देख सकते हो ये रहेगा ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये भी सही रहेगा भाई, इसका जो मतलब दोनों, मतलब सारे बंडल सही रहेंगे। इसमें थोड़ा सा एनिमेशन चेंज हो जाएगा और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, तो बाकी बंडल सेम रहता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। तो ये रहेगा हम लोग को दो ब्लू प्रिंट के बदले मिलने वाला है, ठीक है, ये वाला बंडल। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसको मेल और फीमेल, मतलब जितने भी चारों बंडल आप लोग दिखाओगे ना, चारों को आप लोग मेल और फीमेल दोनों पर पहना सकते हो, ठीक है। ऐसा बंडल होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसका बाल तो भाई, मतलब इस वाले इंक्यूबेटर का जो बाल है ना यार, बहुत ही ज़्यादा औसम लगा मेरे को। और मतलब आप लोग को कौन सा बंडल ज़्यादा अच्छा लगेगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये तो नीचे का सेकंड नंबर का बंडल था। इसके बाद आप लोग को मैं दिखाता हूँ इससे एक और ऊपर वाला, मतलब जो मिलता है हम लोग को दो ब्लू प्रिंट और पांच एवोल्यूशन स्टोन के बदले, ठीक है। तो ये रहेगा ऑरेंज कलर का, ठीक है, और ये भी दो ब्लू प्रिंट के बदले हम लोग को मिलने वाला है। और इसका जो एनिमेशन है थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। ये और ग्रीन वाला दोनों सेम टाइप्स है, मतलब चारों सेम टाइप से हैं, पर थोड़ा सा एनिमेशन इसमें चेंज हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये रहेगा ऑरेंज कलर का, और सही है भाई, ये वाला बंडल भी बहुत ही ज़्यादा औसम है। सबसे ज़्यादा अच्छा तो मेरे को इसका मास्क और इसका जो बाल है ना वो लगा है, ठीक है। आप लोग को कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगा, इसका मास्क हो गया, इसका टॉप हो गया, या शू हो गया, मेरे को तो सारी चीज़ें अच्छी है भाई, मतलब बंडल बहुत ही ज़्यादा औसम है। और ये वाला, ये बात भी आप लोग को बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग के गेम पे MP5 का इंक्यूबेटर आएगा, उसके बाद ये वाला बंडल्स हम लोग को देखने को मिलेगा। या ये भी हो सकता है कि इंडिया सर्वर पे सबसे पहले ये बंडल्स आए, उसके बाद MP5 का इंक्यूबेटर आए, मतलब बाहर सर्वर पर कन्फर्म हो चुका है कि सबसे पहले उन लोग के सर्वर पर आएगा MP5 का इंक्यूबेटर, और उसके बाद आएगा ये जो आप लोग को बंडल्स दिखा रहा हूँ वो। तो हम लोग के सर्वर पर देखते हैं यार, क्या पहले आता है MP5 का इंक्यूबेटर आता है, या फिर ये वाला जो है बंडल आता है। तो आप लोग जैसे कि देख सको, ये वाला जो बंडल है टॉप का बंडल होने वाला है, पर्पल कलर के थीम पे है, पर्पल और पिंक कलर पे, ठीक है। और इसका जो एनिमेशन तो खतरनाक है भाई, आप लोग पीछे देख सकते हो चार फ्लैग एक साथ भाई निकल रहे हैं, ठीक है। और इसका जो बाल का कलर है वो रेड टाइप सा है थोड़ा सा, और इसका शू भी सही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इसका बाल का कलर है भाई रेड टाइप का है, तो सही बंडल है ये वाला बंडल, मतलब टॉप का बंडल होने वाला है, जो हम लोग को तीन ब्लू प्रिंट और शायद तक सात एवोल्यूशन स्टोन के बदले हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये रहेगा ये वाला लास्ट वाला, मतलब सबसे टॉप वाला बंडल, ठीक है। इसको आप लोग को फीमेल पे भी ट्राई करके मैं दिखा देता हूँ। तो बंडल बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाले हैं यार, जो अभी हम लोग के गेम पे नेक्स्ट अभी अपडेट आने वाला है OP29 अपडेट, उसके बाद हम लोग को सारे बंडल्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बंडल्स आप लोग को, जो चारों बंडल्स दिखाया वो आप लोग को इंक्यूबेटर में मिलेगा, ठीक है। बहुत ही औसम होने वाला है इस बार का इंक्यूबेटर। तो आप लोग बताना यार, आप लोग को जो बंडल्स अभी दिखाया वो आप लोग को कैसा लगा। और ये भी हो सकता है कि पहले MP5 आए, MP5 का इंक्यूबेटर है, उसके बाद जाके हम लोग को ये बंडल्स वाला इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वो मत होना कि ये तो इंक्यूबेटर आया नहीं करके, MP5 का अगर आ गया तो MP5 के बाद ये वाला बंडल्स आ सकते हैं, मतलब आएंगे ही, कन्फर्म है, 100% श्योर हूँ,
ठीक है 100% मतलब कंफर्म है कि ये वाला इंक्यूबेटर का बंडल्स आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।